का अलर्ट जारी किया गया है और क्या कोई रिकॉर्ड टूटे हैं इस बारिश में? देखिए, पिछले 24 घंटे की बात करें तो पूरे प्रदेश में ही रेनफॉल एक्टिविटी रिपोर्ट की गई है, मतलब हैवी टू वेरी हैवी रेनफॉल रिपोर्ट्स किए गए हैं बहुत से स्थानों में, और डिस्ट्रिक्ट सिरमौर में एक्सट्रीमली हैवी रेनफॉल भी रिपोर्ट की गई है, पछाड़ में 220 mm, जो बाकी जैसे बिलासपुर में नारायण देवी में 198 mm बारिश रिकॉर्ड की गई है। तो पूरे प्रदेश में देखिए ये जो मानसून अभी एक्टिव है उसके चलते हैवी टू वेरी हैवी रेनफॉल रिपोर्ट की गई है 24 घंटों में। और अभी प्रेजेंट अगर अभी मौसम की बात करें तो अभी भी प्रदेश में एक्टिव है, मतलब और रेनफॉल रिपोर्ट्स की जा रही हैं। और अलर्ट्स की बात करें तो देखिए आज डिस्ट्रिक्ट सोलन, शिमला, सिरमौर, कुल्लू मंडी और लाहौल स्पीति किन्नौर के लिए रेड अलर्ट जारी किया हुआ है, और कांगड़ा, चंबा और ऊना, हमीरपुर के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया हुआ है। तो अभी भी 24 घंटों में देखिए हैवी टू वेरी हैवी रेनफॉल होने की संभावना है, साथ में एक दो स्थानों में एक्सट्रीमली हैवी रेनफॉल होने की संभावना बनी हुई है। और कल 11 तारीख को देखिए जो हमारे डिस्ट्रिक्ट हैं सोलन, शिमला, सिरमौर, कुल्लू मंडी, लाहौल स्पीति, यहाँ पे भी रेनफॉल एक्टिविटी जारी रहने की संभावना है और साथ ही हैवी रेनफॉल इवेंट्स भी होने की संभावना है। इसके लिए 11 तारीख को कल को इन डिस्ट्रिक्ट को ऑरेंज कैटेगरी में रखा गया है और जो 6 डिस्ट्रिक्ट हैं उनको येलो कैटेगरी में, वहाँ पर मतलब मॉडरेट रेनफॉल होने की संभावना है और इसलिए उनको अभी येलो अलर्ट में रखा गया है। कौन कौन से ऐसी जगहें हैं जहां पर बारिश ने पिछले रिकॉर्ड तोड़े हैं और कहां कहां कितनी बारिश हुई है? देखिए जैसे मैं बारिश का कहा, जैसे पछाड़ में एक्सट्रीमली हैवी रिपोर्ट की गई थी 24 घंटों में और जो बाकी ऑलमोस्ट पूरे प्रदेश में ही वेरी हैवी रेनफॉल इवेंट भी रिकॉर्ड किए गए हैं ऑलमोस्ट सभी डिस्ट्रिक्ट्स में। और रिकॉर्ड्स की बात करें तो देखिए एक स्टेशन मनाली में रिकॉर्ड ब्रेक हुआ है 24 घंटे की जो टोटल रेन होती है जुलाई माह में, इसका जो मनाली में रिकॉर्ड था वो सन 1971 में था 105 mm, जो कि 9 तारीख को सुबह को 131 mm रिकॉर्ड किया गया। और वहीं सोलन में भी एक रिकॉर्ड ब्रेक किया, वो 2015 में था इसका जो पिछला रिकॉर्ड 105 mm, और जो 9 तारीख को सुबह को 107 mm रिकॉर्ड किया गया। और वहीं शिमला में रोडू में जो 24 घंटे की रेन का रिकॉर्ड था वो था 170 mm, वो ईयर 1966 में रिकॉर्ड की गई थी और 9 तारीख को सुबह को ये 185 mm बारिश रिकॉर्ड की गई थी। तो ये दो तीन स्टेशन जहाँ पे रिकॉर्ड ब्रेक किए हैं। इसके अलावा कोई अलर्ट ग्लेशियर का या तरफ से एक अलर्ट लोगों के लिए जारी किया गया? देखिए चूँकि अभी रेनफॉल एक्टिविटी अभी जारी है और आगामी 24 से 28 घंटों में भी क्रम जारी रहने की संभावना है, तो जो हमारे जो वाटर सोर्सेज हैं, जो मेजर रिवर्स हैं, वहाँ पे वाटर लेवल ऑलरेडी मतलब राइज हुआ है और अभी भी संभावना है कि रेनफॉल के चलते मतलब स्थिति वैसी ही बनी रहेगी और साथ में फ्लैश फ्लड्स की भी स्थिति बनी हुई है। कुछ इलाकों में बर्फबारी भी देखी गई है, उसको लेकर क्या अपडेट है, कितनी बर्फबारी हुई है? इससे पहले भी जुलाई में अक्सर हुआ करती थी बर्फबारी। देखिए ये जो WDA अप्रोच किया था प्रदेश को 8 तारीख को और जो मानसून फ्लो है जो एक्टिव है, इसके चलते जो हमारे लाहौल स्पीति में लोसर में मॉडरेट रेन स्नोफॉल रिपोर्ट की गई पिछले 24 घंटों में।